मुंबई के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भवन की ओर रुख करते हैं, जहां पर विशेष तौर पर आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी असंगठित कामगार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राव साहेब दारकुंडे और समाज सेवक देवा आचार्य का जन्मदिन कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक की उपस्थिति में केक काटकर जन्मदिन मनाया गया, जहाँ पर आप देख सकते हैं एक लंबी कतार जो है बधाई देने के लिए वहाँ पर पहुंची, फूलों की गुलदस्ताओं के साथ में राव साहेब दारकुंडे और देवा आचार्य को वहाँ पर जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। विशेष तौर पर महाराष्ट्र के कई जिले कई तालुके से जो है असंगठित कामगार संगठन के अध्यक्ष वहाँ पर पहुंचकर राव साहेब दारकुंडे को बधाई देते हुए दिखाई दिए। विशेष तौर पर मुंबई के कई इलाकों कई क्षेत्रों में विभिन्न तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जहाँ पर राव साहेब दारकुंडे सभी जगह पर पहुंचकर विशेष तौर पर केक काटते हुए दिखाई दिए। हमारे चैनल से वार्तालाप करते हुए विशेष तौर पर आपको बता दें कि वहीं आप देख सकते हैं कि राव साहेब दारकुंडे को विशेष तौर पर बधाई देने के लिए मुमरा कलवा के असंगठित कामगार संगठन के अध्यक्ष मोहम्मद नफीस अंसारी भिवंडी से, आप देख सकते हैं संगठित कामगार संगठन के जो भिवंडी शहर अध्यक्ष हैं ग्यासुद्दीन अंसारी, फूलों की गुलदस्ता देकर राव साहब दारकुंडे साथ ही साथ कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक का स्वागत करते हुए दिखाई दिए। देखिए इस विशेष खबर को। आज हमारे साहब राव साहब दारकुंडे जी का जन्मदिन था, जिसका कि हमारे मिनिस्टर नवाब मलिक साहब के हाथों से केक काटकर पार्टी ऑफिस में मनाया गया बहुत धूमधाम से, जिसमें कि भिवंडी के बहुत सारे कार्यकर्ता शामिल रहे और हमारे भिवंडी शहर के असंगठित कामगारों की तरफ से मैं इन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं इनके जन्मदिन का। और जैसा कि साहब हमारे असंगठित कामगार के प्रदेश अध्यक्ष हैं और गरीबों को और कामगारों को बहुत मदद करते हैं, जब भी कोई समस्या होती है गरीबों और कामगारों की हम लेकर आते हैं यहाँ और उन्हें पूरी तरह से साहब मदद करते हैं। हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं हो इनकी लंबी उम्र के लिए, हम चाहते हैं कि साहब लंबी उम्र जिए जिससे कि दोनों को काम आ सके। ताज़ा तरीन खबरों से बने रहने के लिए हमारे चैनल सच की आवाज़ टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।